यहाँ जॉन जे सिम चियोन से अपने घर से जाने को कह रहा है और वो उसे एक फोन भी देता है और उसे कॉल करना सिखा देता है और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताना चाहो तो तभी कॉल करना। अब सिम चियोन कहती है कि हम अब तभी मिलेंगे जब पहली बर्फबारी होगी। जॉन जे कहता है कि पागल हो क्या, मैं फिर से क्यों मिलूंगा तुमसे। सिम चियोन कहती है कि हम उस टावर मिलेंगे, मुझे तुमसे उस दिन बहुत जरूरी बात करनी है, तुम मुझसे वादा करो कि मुझसे मिलोगे और तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अब जॉन जे उससे वादा कर ही लेता है और फिर उससे जाने को कहता है। सिम चियोन के वहाँ से जाते ही जॉन जे अपने फोन में उसकी लोकेशन देखने लगता है क्योंकि उसने उसके फोन को ट्रैक कर लिया था ताकि वो ये पता लगा सके कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन सिम चियोन तो एक ही जगह पर खड़ी थी। यहाँ जॉन जे के दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने सिम चियोन को इतनी सर्दी में घर से बाहर क्यों निकल दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस बेचारी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहाँ रहेगी वो और क्या खाएगी, तुमने ये बहुत बुरा किया। जॉन जे कहता है कि तो मैं क्या करूँ, मैं क्या उसे जिंदगी भर यही पालता रहूंगा, मैं क्या उसका गार्डियन हूँ। अब जॉन जे अपने रूम में जाकर फिर से सिम चियोन की लोकेशन चेक करने लगता है। अब सिम चियोन काफी दूर चली गई थी और फिर जॉन जे उसी जगह पर जाने लगता है जहां सिम चियोन पहुंच गई है। यहां नमदू तायओ को एक औरत को लूटने का प्लान बताता है कि वो काफी अमीर है और वो अपने कुत्ते पर भी बहुत पैसा खर्च करती है। दरअसल ये औरत चाशेहा की भाभी है, लेकिन नमदू और तायओ इस बात से बिल्कुल बेखबर है। यहाँ जिन जू यानी चाशेहा की भाभी अपनी नौकरानी के साथ शॉपिंग पर गई होती है, लेकिन वहाँ पर सब उसकी नौकरानी को मैम कहने लगते हैं क्योंकि वो कपड़ों से अमीर लग रही होती है। इस बात से जिन जू को अपनी नौकरानी से जलन होती है और फिर इसी बात से वो उसे अपने घर से निकालने को कहती है। यहाँ काम से ही जिन जू को उसका लंच बॉक्स लौटाने आई होती है और वो उससे कहती है कि जो खाना तुमने मुझे भेजा था वो बहुत टेस्टी था और मेरे पति को भी बहुत पसंद आया था। ये सुनकर जिन जू बहुत खुश होती है और उससे कहती है आप जब भी कहोगी मैं आपके घर खाना भिजवा दिया करूंगी। दरअसल ये दोनों औरतें आपस में फ्रेंड्स भी है क्योंकि जिन जू का पति जॉन जे के पिता की कंपनी में ही जॉब करता है, इसी वजह से जिन जू कान सेओ ही को खुश करने की कोशिश करती रहती है। यहाँ जिन जू की नौकरानी उससे कहती है कि मैं कल को आपके घर से चली जाऊंगी, लेकिन अब जिन जू उसे घर से जाने को मना करती है क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, अगर उसने उसे जाने दिया तो इतना टेस्टी खाना कौन बनाएगा। अब जिन जू कहती है कि मैंने तो तुमसे ऐसे ही कह दिया था, जाने को तुम तो बुरा मान गई। यहाँ सिम चियोंग फिर से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ भिखारन बैठी रहती है और फिर वो ट्रैश बॉक्स से कपड़े निकाल कर पहनने लगती है। अब सिम चियोंग भिखारन से कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम पैसे कैसे कमाती हो। अब भिखारन उसे कुछ टेम्पलेट्स दिखाती है और उससे कहती है कि देखो ये टेम्पलेट्स तुम्हें यहाँ पर आते जाते लोगों को इस तरह से बांटने हैं, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। इतना कहकर वो चली जाती है। सिम चियोंग कहती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और फिर जॉन जे को दे दूंगी क्योंकि उसे पैसे बहुत पसंद है, और फिर जॉन जे उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। यहां सिम चियोंग से कोई भी टेम्पलेट्स नहीं ले रहा था, तभी कुछ लड़के आकर उससे टेम्पलेट्स लेने लगते हैं। अब वो खुश हो जाती है। यहां इन लड़कों को टेम्पलेट्स लेने जॉन जे ने ही भेजा था, अब वो सबको उस काम के बदले पैसे दे रहा था। यहाँ सिम चियोंग के पास एक आदमी आकर उससे उसका फोन नंबर मांगने लगता है और तभी जॉन जे उसे कॉल कर देता है। वो उससे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि अगर तुमसे कोई अजनबी इंसान तुम्हारा फोन नंबर मांगे तो उसे कभी मत देना क्योंकि वो लोग बहुत बुरे होते हैं। अब सिम चियोंग आदमी की तरफ गुस्से से देखने लगती है। आदमी उससे डर कर चला जाता है। सिम चियोंग जॉन जे से पूछती है कि तुम अब कहाँ पर हो। जॉन जे कहता है कि मैं तो बहुत दूर हूँ, और तभी वो वहीं पर देख लेती है। वो उससे कहती है कि अरे जॉन जे तुम क्या मुझे यहाँ देखने आए थे। जॉन जे कहता है कि अरे पागल हो क्या, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे तो लगता है कि शायद तुम ही मेरा पीछा कर रही होगी। सिम चियोंग कहती है कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी, और फिर वो उसके पास जाकर उसके कान में कहने लगती है कि जॉन जे मैं यहाँ तुम्हारे लिए पैसे कमा रही हूँ क्योंकि तुम्हें पैसे पसंद है न। उसकी ये बात सुनकर जॉन जे सोच में पड़ जाता है। यहाँ जॉन जे का सौतेला लड़का यानी चीहायन अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे पता है कि आप जॉन जे की तलाश कर रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद करूँ उसे तलाश करने में। पिता कहता है कि अरे नहीं मैंने अपने आदमी से कह दिया है इसके लिए। अब चीहायन कहता कि पापा आप जब तक जॉन जे को तलाश कर रहे हैं तब तक आप मम्मी को मत बताना, न बताने की वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ सिम चियोंग को टेम्पलेट्स बांटते हुए रात हो गई थी और तभी मा डे यंग वहाँ आ जाता है। सिम चियोंग उससे कहती है कि तुम तो वही हो जो घर पर आए थे, और फिर बारिश पड़ने पर वो वहाँ से चली जाती है। मा डे यंग सोचता है कि इस लड़की ने तो मुझे पहचान लिया है। यहाँ सिम चियोंग शॉप के बाहर खड़ी होती है और तभी वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है। वो खुश हो जाती है और फिर उसी टावर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसने जॉन जे से मिलने को कहा था कि पहली बर्फ पड़ने पर हम वही मिलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ बर्फ को पड़ता देखकर जॉन जे भी सिम चियोंग से मिलेंगे के लिए जाने लगता है। अब वो उसकी लोकेशन देखने लगता है और कहता है कि अरे ये तो बहुत तेजी से वहाँ जा रही है, और फिर वो कार से निकल जाता है। यहाँ सिम चियोंग टावर तक पहुँचने वाली होती है, लेकिन तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। उस कार के अंदर से जॉन जे का सौतेला भाई निकलता है, और यहाँ पर जॉन जे टावर तक पहुँच चुका था और अब वो यहाँ सिम चियोंग का इंतजार कर रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और हम जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।
सो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।